Muhammad Ali. So essentially, actually, आप देखेंगे, this is film, अगर कैप्सूल में कहा जाए तो एक बच्चे की कहानी है जो अपने बाप को ढूंढ रहा है, और इस फिल्म में आई हैपन टू बी द फादर. किरदार जो है वो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, सिंपल मैन है, एक शिकारा बनाने वाला इंसान है, और कम्स फ्रॉम अ स्लाइटली लोअर इनकम बैकग्राउंड, लेकिन कश्मीर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी इमोशनल है, और एक शायर है. तो कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि ही गोज़ मिसिंग, और उसके बाद बच्चा कैसे अपने बाप को ढूंढना चाहता है, और फिर कैसे उसे याद आता है कि उस उसके पिता ने उसे क्या क्या सीख दी, तो उसकी कहानी है. एंड उसमें आई थिंक व्हाट रहमत अली दिस फादर प्लेज इज दैट ही प्लेज आई थिंक व्हाट ही ब्रिंग्स टू द फिल्म और टू दिस चाइल्ड्स लाइफ इज ही ब्रिंग्स अ सर्टेन लेवल ऑफ कंपैशन. He's all love and he represents in some ways Kashmir, which has a lot to give but is slightly confused. I think Rehmat Ali represents Kashmir in some way. Okay sir, iske sath mein aur bhi kalakar hain, kaise rahe unka experience aapke shooting? Bahut badhiya raha. Mera of course mera kaam jo raha mera sirf bacche ke sath aur Rasika ke sath raha. तो रसिका इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस हरसेल्फ. उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि एवरीथिंग फेल इनटू प्लेस. शी वाज एंड शी इज़ एन एक्सट्रीमली गिविंग एक्टर. शी वाज जब हमने रिहर्स करना शुरू किया, शी वाज जस्ट लिसनिंग, शी वाज जस्ट वॉचिंग, ऑब्जर्विंग के मैं किस तरह से उस सीन को करना चाह रहा था. एंड शी वॉज मोर देन वेलकम टू play along, you know. The challenge in such movies is always working with the child actor. But एक आप एक 8 साल के बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, और मेरे दो बहुत important scenes थे तलहा के साथ जो हामिद play कर रहा है, और but I was just mesmerized by this boy. वो ही इज़ जस्ट अ नेचुरल टैलेंट, इज़ अ ब्यूटिफुल लुकिंग बॉय एंड एक्सट्रीमली फ्रेंडली, एंड आई थिंक दैट्स वॉट हेल्प्ड अस क्रिएट अ बॉन्ड विद हिम. हमने शमशा चार दिन एक साथ गुजारे होंगे, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे आप रियलाइज़ करेंगे कि ये सचमुच एक बाप और बेटा है, ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वॉट आई डिड बट बिकॉज ऑफ हाउ ही बिकेम सो फ्रेंडली विद मी. How he was open to taking certain suggestions. एक फिल्म में एक छोटा सा सीन है जहाँ पर चार डायलॉग का सीन है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, और मैंने डिसाइड किया कि मैं विद इन द टेक, मैंने इजाज़ से जो डायरेक्टर हैं वो थोड़े से सरप्राइज से रह गए थे, क्योंकि मैंने उनको पहले नहीं बताया था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ. और एक पॉइंट है जहाँ मैं उससे बात कर रहा हूँ नीचे देखते हुए, और मैं नीचे झुकता हूँ उसकी तरफ, और उसकी आंखों में आंखें डाल के मैंने आई जस्ट टच्ड माय फोरहेड टू हिज फोरहेड एंड ही टच्ड इट बैक एंड ही स्माइल्ड एंड आई रियलाइज दैट दिस गाय इज़ अ नेचुरल परफॉर्मर. बिकॉज मैंने उससे पहले डिस्कस नहीं किया था कि ऐसा करना है, एंड ही गेट रेसिप्रोकेटेड, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ वर्क फॉर दिस फिल्म. उम्मीद है कि सबको ट्रेलर पसंद आए और लोग ना सिर्फ ट्रेलर देख कर खुश हो जाएं लेकिन हॉल आए और टिकट खरीदें और हमारी पिक्चर देखें. आई थिंक हामिद इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट फिल्म एंड टोल्ड अ स्टोरी टोल्ड फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन. सो मेरे ख्याल से दिस इज़ द काइंड ऑफ पीसफुल फिल्म दैट वी नीड इन टुडेज़ टाइम्स. सो प्लीज़ कम टू द थिएटर्स टू वॉच हामिद. जी
मेरे किरदार का नाम है इशरत, वो हामिद की मदर हैं। और फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि इशरत के हस्बैंड मिसिंग हैं, तो इसलिए वो उस ग्रीफ से डील करने की कोशिश कर रही है। और उस इस ग्रीफ की वजह से हामिद और इशरत के बीच में भी एक दरार आ गई है, और अब वो अपने हस्बैंड को खोजने में इतनी ऑब्सेस हो गई हैं कि शायद अपने बच्चे को इग्नोर कर रही हैं। और फिल्म के दौरान हम देखते हैं कि हामिद अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ अपने अपनी माँ का प्यार वापस लाने की कोशिश भी कर रहा होता है। मुझे नहीं लगता कि फिल्म्स किसी मैसेज के लिए होनी चाहिए, लेकिन अगर उसे देखकर कोई एक चीज़ ले ये मैसेज ले जाए अपने साथ तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियंस, जब हम फिल्में बनाते हैं या फिल्मों में काम करते हैं, तो हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम ऑडियंस को अपने किरदार से कनेक्ट करवा पाएँ, ऑडियंस को अपनी स्टोरी से कनेक्ट कर पाएँ। हमारा टास्क इतना ही होना चाहिए, हमारा इंटेंशन इतना ही होना चाहिए। अगर ऑडियंस उससे ज़्यादा घर ले जाए या कोई मैसेज ले जाए अपने साथ, और क्या मैसेज ले जाए ये उनके ऊपर है। आप क्या मतलब एग्जैक्टली आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे लगता है कि दिस फिल्म कैन रियली बी अ जेंटल कॉन्वर्सेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टाइम्स। थैंक यू। मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे है कि जाके थिएटर में देखें, ये बड़ी ऑनेस्टी से और बड़े होप से बनाई है कि लोग थिएटर में जाके इस फिल्म को देखें, बस वही उम्मीद है। ये कॉन्सेप्ट आया जब मेरे दोस्त ने श्रीनगर से मुझे फ़ोन किया कि उसने एक प्ले देखा था कपल ऑफ डेज बिफोर, और उसमें ये था कि एक बच्चा जो है वो कैसे 7-8-6 डायल करता है और वो कनेक्ट हो जाता है एक कश्मीरी पंडित से। तो वैसे जैसे वो उसने सुनाया, बस उतनी एक लाइन सुनाई और तब से मैं पागल हो गया, मुझे कहा ये बनाना ही है, जाके देना है डेवलप द स्क्रिप्ट और फिर जाके बनाना है। जी हाँ। वेल हर वैसे तो मुश्किल होता ही है ज़्यादातर, मगर ये इसमें ये था कि हम लोग ढूंढ रहे थे तलहा को, जो हमारा जो बच्चा है, तो उसको काफ़ी हम लोग ने ढूंढा और फिर जाके जब मिला उसको ट्रेन किया 1-3 हफ्ते के लिए, उसने कभी कैमरा फेस नहीं किया था और बहुत अच्छा काम किया, तो उस ये प्रोसेस था बेसिकली। थैंक यू।
दिस साइड